राम जी, ये सीरियस बात है, तो इस पे मैं अच्छी बात है यार। देखो देखो आप भी एक प्लेयर रह चुके हैं, अगर आपके अरे साथ मैं अभी कभी ऐसा अभी अभी वाकया प्लेयर हो। हूँ, फाइट करने जा रहा हूँ। देखिए जो क्रिकेट का है ना, क्रिकेट का हमारे कंट्री में थोड़ा डिफरेंट रहा है स्टार्टिंग से, और अभी क्रिकेट के इतना ऊपर पहुँच गया है कि अब सबको पता क्रिकेट क्या है, कौन खिलाड़ी क्या कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो फैसला लिया है इनका, कहीं होटल में नहीं जा सकते या कुछ, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं जा सकती, तो ये कि निराधार है। जैसा हम खेलना वैसे खेलेंगे, और मेरे हिसाब से अगर पार्टनर साथ जाता है तो उनको एक मोटिवेशन स्पोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट हमें लगता है हमारी इंडियन टीम कुछ साल से काफ़ी अच्छा खेल रही है, तो कुछ साल से काफ़ी अच्छा खेल रही है हमारी इंडियन टीम, जब से धोनी कैप्टन बने हैं आई थिंक उतने सालों से। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये कभी प्रॉब्लम हुआ है इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स एंड ऑल। धोनीज वाइफ इज ऑलरेडी ऑन द सेट, शादी की बात नहीं है यहां पे। नो, सो यू आर कंफ्यूजिंग थिंग्स, यू आर सेइंग द बेटर पार्टनर एंड सो शी इज द वाइफ, शी इज द गर्लफ्रेंड। सो यार देखो, एक अच्छा आंसर बताता हूं, उन सबको उनकी गर्लफ्रेंड उनको भेज दो यार, वरना इधर उधर जाएंगे और फिर खेलेंगे हम, इसलिए इंडिया जीते, हम चाहते हैं आराम से जाओ। एक मिनट, एक एग्जांपल से इसको क्लियर करूंगा। अभी 81 डेज से इंडिया नहीं जीती थी, विराट वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अक्सर अनुष्का नजर आती थी, तो क्या उस चीज को लेकर फैसला लिया गया? पाकिस्तान से तो जीत गए ना, उसके बारे में खुश रहो ना। कल के मैच की क्या तैयारी यार, उनको तैयारी करनी है। मैं कल के मैच के लिए सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी प्लीज जीतिए, दैट्स इट। एज अ एज अ ऑडियंस, एज एन इंडियन, द टीम ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं वर्ल्ड कप जीते। हैप्पी होली, हैप्पी होली, थैंक यू।